अस्सलामुअलैकुम, महा की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में, देसी ढाबा स्टाइल में साबुत मसूर। साबुत मसूर बनाने के लिए साबुत मसूर लिए हैं, उसे हमने अच्छी तरह साफ करके पानी में भिगो दिया है। एक अदद बड़ी वाली प्याज ली है, उसे काट लिया है। एक चाय वाला चम्मच नमक का, एक चाय वाली चम्मच सूख मिर्च की, एक भर के चाय वाली चम्मच हल्दी की, एक चाय वाला चम्मच पिसा हुआ धनिया, 7 से 8 अदद लहसुन की चम्मच और थोड़ी सी काली मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चले चलते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं मट्टी की हंडिया में। मट्टी की हंडिया बनाने के लिए मट्टी की हंडिया की हमने ली है, इसे अच्छी तरह साफ कर लिया। अब इसमें हम दाल डालेंगे। इसमें ये दाल डाल दी हमने सारी इसके अंदर। इसमें 5 से 6 गिलास डाल देंगे पानी का और इसे पकने के लिए रख देंगे। इस मट्टी की देसी में बहुत मज़े की बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें कि मेरी नई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसे हम 20 से 25 मिनट तक इसमें पकने देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए ये मसाला वो हो गया है। 25 से 30 मिनट तक हमने इसे पकाया, हल्की आंच पे इसे हमने रख दिया था और माशाल्लाह से ये देखिए अच्छी तरह मसाला घुल गए हैं। तड़के के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है, हमने लहसुन लिया थोड़ा सा, उसे काट लिया, थोड़ा सा अदरक को क्रश कर लिया है, हरी मिर्चें 4 से 5 ज़्यादा लिए हैं, दरमियाने से हमने काट लिए, ठीक है। ये धनिया गार्निश के लिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है तड़के के लिए। अब तड़के में हम ये गर्म हो गया, हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें ये लहसुन डाल देंगे, साथ ही हमने ये चौकी भी अदरक डाल देंगे। अब ये हल्का सा इसे हलाए कि ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए ये लहसुन और अदरक थोड़ा सा कड़कड़ाने लग गया है, अब इसमें ये हम हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। ये हरी मिर्च डाल दें, ये अब ये कड़कड़ा रहा है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना होगा। और ये हमने साबुत जीरा है, ये एक छोटी चाय वाली चम्मच, छोटी चाय वाली चम्मच साबुत जीरे की है, ये हम डाल देंगे। जब ये लहसुन अच्छी तरह गोल्डन हो जाएगा इसे हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए डिश आउट के लिए हमने ये मट्टी का प्याला लिया है, वो हमने आग में बंद कर दिया है। मट्टी का प्याला लिया, ये देखिए अब इसमें हम ये तड़का डाल देंगे। हमारी दाल बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरा धनिया। हमारी ये ढाबा देसी ढाबा स्टाइल साबुत मसूर बन के तैयार हो गया। इंशाल्लाह ताला आपको मुझे पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।